कैसे रहेंगे आपके सितारे, जानिए आज का राशिफल। जय मां कात्यायनी। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल वर्ल्ड स्काई में। मैं हूं आपके साथ आपका स्नेही आचार्य प्रबोध मिश्रा। और मित्रों, आज का राशिफल आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि आज की राशियां क्या कह रही हैं। अक्सर राशियां बोलती हैं, कहती हैं, तो वो राशियां आपके लिए क्या लेके आई हैं, आज क्या कहने वाली हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा है? जानबूझकर लोग नुकसान पहुंचाना चाहेंगे आपको, और दृढ़ता से कोई बात करें, दृढ़ता से विश्वास से काम करें। साथ में आपके अधिकारी जन आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके मित्रगण भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। बढ़ते हैं अगली राशि में, वृष राशि के साथ। कानूनी मामलों पर ध्यान अवश्य दें। अगर कोई न्यायिक समस्या चल रही है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित है कि आज आपकी समस्या सुलझ जाएगी। आज आर्थिक लाभ भी होने वाला है, ध्यान दें। मिथुन राशि वाले जल्दी धन कमाने के चक्कर में कुछ अपना धन व्यय भी कर सकते हैं, और वाहन के लेने के योग बन रहे हैं। शुभकामनाएं मिली आपके साथ, और जिसे चाहते हैं, जिस कन्या को आप हृदय से प्रेम करते हैं, निश्चित है आपको मिल भी जाएगी। आज कर्क राशि वाले, आज बिना मेहनत के बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य भी थोड़ा डगमग रहेगा। आज कहीं ना कहीं भूमि प्लाट या प्रॉपर्टी खरीदने के सहयोग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वाले, आज बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, रोजगार प्राप्त करने के अच्छे अवसर हैं, और पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर भी आपके लिए हैं। आज वाहन, मकान, भूमि, जायदाद, संपत्ति भी आपको कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगी। कन्या राशि वाले, आज ध्यान रखें, दूसरों के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप न करें, ये मामला उलझ सकता है और इसमें आप फंस सकते हैं। और विवाद कहाँ से शुरू होगा? आपके ही कार्यस्थल या आपके रहने वाले स्थान से, आपके घर से विवाद शुरू होगा। विवाद बड़ा रूप ले सकता है, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, धर्म पत्नी का पूरा सहयोग मिलने वाला है। तुला राशि वाले, अचानक किसी से मुलाकात होगी, आपके अपने इष्ट मित्र से कुछ लाभ मिलने वाला है, यात्रा का भी अच्छा सहयोग है, यात्रा आपके लिए सुखद होगी, शांतिदायक होगी, साझेदारी में पैसा बिल्कुल न लगाएं। वृश्चिक राशि वाले, आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बहुत प्रसन्न रहेंगे, मन आपका आज सुबह से ही प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी की मदद से बड़े कार्य आप कर सकते हैं, दाम्पत्य सुख भी आपको मिलेगा। धनुराशि वाले, समय पर काम पूरा न कर पाने के कारण आज कुछ अपमान महसूस करेंगे आप, और प्रॉपर्टी के लेन देन में थोड़ा सा सतर्क रहें, भावनाओं पर भी काबू रखें, आपको किसी के माध्यम से गलत समझा जा सकता है, ध्यान दें। मकर राशि वाले, आज कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए बहुत अच्छा सम्मान आपको मिलेगा, ताकत और आपके बल पर, आपके बुद्धि पर, आपके विचारों के बल पर आज बहुत अच्छा काम आप करेंगे, और जो काम बहुत दिन से, कई दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, यानी प्रतीक्षा में था, वो काम आपका जो है आज संपन्न होने वाला है। कुंभ राशि वाले, आज सहयोगियों की मदद से अच्छे काम करेंगे, साथ में अफसरों से मिल करके कोई अच्छा विशेष और उलझा हुआ काम भी आप निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे, और रुके हुए आपके कार्य आज बढ़ने वाले हैं, प्रेम प्रसंग भी सफलता मिलने वाली, आपके दिन आज का बहुत अच्छा है। मीन राशि वाले, आज अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी विशेष कार्य की, या विशेष मित्र की, या विशेष सहयोगी की, तो प्रतीक्षा आपकी आज संपूर्ण होने वाली है। आज व्यापार करना चाहते हैं, नया स्थान खोलना चाहते हैं व्यापार के लिए, तो वो स्थान आप खोलें, आपके लिए अच्छा रहेगा, दिन आपका बहुत बढ़िया है। और ध्यान रखें, अगर यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के दौरान अपना दाहिना पैर ही आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपकी यात्रा सुखद और लाभदायक हो, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोई नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग, कोई चिंता और परेशानी की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अक्सर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, और सभी राशियों वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वृक्षारोपण और वृक्षों का रोपण और उनका सिंचन, उनका पालन आप जरूर करें। जो भी वृक्ष आपको प्रिय हो, आप उसको कहीं लगाएं, घर में लगाएं, गमले में लगाएं, ऐसा करने से आपको ऑक्सीजन मिलता है और पुण्य भी मिलता है। कहते भी हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, ये नियम को अपनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं आपसे अगली राशि फल में, तब तक लिए आप दीजिए मुझे आज्ञा, आपका अपना स्नेही प्रेमी आचार्य प्रबोध मिश्रा को नमस्कार।